किसी भी डिफेंस एंट्री में अप्लाई करने से पहले आप एक बार ये जरूर देखते हो कि आखिर इस एंट्री से पर्टिकुलर ब्रांच ज्वाइन करने पर मुझे परमानेंट कमीशन मिलेगा या शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसलिए आपको पहले से ही एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, दोनों के क्या फायदे और नुकसान है, दोनों तरह के कमीशन की क्या टर्म्स और कंडीशन होती है। इसलिए आज की वीडियो में हम दोनों तरह के कमीशन को कम्पेयर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के कमीशन से कौन कौन से बेनिफिट्स ऑफिसर को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस में मौजूद सभी परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स एज ऑफ सुपर एन्यूएशन यानी रिटायरमेंट की एज तक सर्व कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट 20 इयर्स की मैंडेटरी सर्विस होती है। वही SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको इंडियन डिफेंस फोर्स में ऑफिसर के तौर पर सर्व करने का मौका देता है। SSC ऑफिसर को मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस करनी होती है, जिसे 4 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। पर इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच SSC ऑफिसर के लिए मैंडेटरी सर्विंग पीरियड 14 इयर्स का होता है इंस्टेड ऑफ 10 इयर्स, और 14 इयर्स की मैंडेटरी सर्विस के बाद आपको कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है। SSC ऑफिसर ऑप्ट कर सकता है परमानेंट कमीशन, पर ये सर्विस रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, विलिंगनेस, परफॉर्मेंस एंड रिकमेंडेशन इन ACR जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वही फ्लाइंग ब्रांच SSC ऑफिसर को परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग किसी भी SSC ऑफिसर को परमानेंट कमीशन या एक्सटेंशन ऑफ सर्विस ऑप्ट करने के 2 मौके उनकी सर्विस के 6th and 7th ईयर में दिए जाते हैं। प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस के बाद ही किसी भी SSC ऑफिसर को परमानेंट कमीशन दिया जाता है। और हाँ, अगर आपको शॉर्ट सर्विस से परमानेंट कमीशन मिलता है तो ऐसे में 8 मंथ्स की सीनियोरिटी भी लूज कर देंगे। अब देखते हैं दोनों तरह के कमीशन से मिलने वाले बेनिफिट्स को। परमानेंट कमीशन ऑफिसर जिन्होंने एटलीस्ट 20 इयर्स की सर्विस कंप्लीट कर ली है वो सभी एलिजिबल हो जाते हैं फॉर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन, मेडिकल एंड कैंटीन फैसिलिटी। वही किसी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन नहीं दी जाती है। SSC ऑफिसर के लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेज प्री रिलीज कोर्सेज या रीसेटलमेंट कोर्सेज कंडक्ट करवाती है, जिसके तहत ऑफिसर को IIM या टॉप B स्कूल से MBA कोर्स या फिर IIT से टेक्निकल कोर्स ऑफर करती है। इन इंस्टीट्यूट से पास आउट होते ही SSC ऑफिसर को प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर में ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। वही परमानेंट कमीशन ऑफिसर के लिए प्री रिलीज कोर्सेज कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं। अगर परमानेंट कमीशन ऑफिसर मैंडेटरी 20 इयर्स की सर्विस से पहले ही रिटायरमेंट ले लेता है तो उस केस में उसे भी पेंशन और दूसरे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। सर्विस के दौरान शॉर्ट सर्विस और परमानेंट कमीशन ऑफिसर की सैलरी, पर्क्स, रिस्पेक्ट और जॉब प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो ये थे मेन डिफरेंस दोनों तरह के कमीशन के बीच में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगी। लाइक करें इस वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।